बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में मिडिल टर्म निकलना कितना आसान है, इसी वीडियो में हम लोग कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम चार सम्स लिखा है, इम्पॉर्टेंट सम्स, बहुत अच्छा सम्स है। सी और डी नंबर क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा। ओके, इसका आंसर आप अगर देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा। तो हम पहले ए और बी को सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये मिडिल टर्म निकालने के लिए जो जो फार्मूलाज लगेगा वो आपको हमने यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया है। देखिए, अगर a प्लस एक्स होल टू दी पर एन एक बाइनोमियल होता तो जनरल टर्म और जनरल टर्म का फार्मूला होता है, और r प्लस वन टर्म, टी आर प्लस वन मीन्स r प्लस वन टर्म का फार्मूला होता है एन सी आर। एन क्या है? वो जो बाइनोमियल का पावर है वो एन, एन सी आर। ए ए क्या है? ये जो फर्स्ट टर्म, ओके, ए ए टू दी पर एन माइनस आर, एन माइनस आर, ए टू दी पर एन माइनस आर, ओके, इन टू, और सेकेंड टर्म क्या है? एक्स, तो एक्स टू दी पर आर। सी के पैर में जो रहेगा वो एक्स के पावर में आ जाएगा। ये आपका जनरल टर्म फार्मूला और आर प्लस वन टर्म फार्मूला। ओके, तो ये जनरल टर्म फार्मूला आपको लगेगा। और देखिए यहाँ पे पावर क्या है, ये बाइनोमियल का पावर क्या है? टेन। टेन इज इवन या ऑड? इवन नंबर, क्योंकि जो नंबर टू के टेबल में आता है उसको बोलते हैं इवन नंबर, जैसे टू फाइव जा टेन। ओके, बट नाइन तो टू के टेबल में आता नहीं है। अब टू का टेबल याद करो छोटे बच्चों की तरह, अब नाइन कभी आएगा नहीं, तो नाइन इज नॉट इवन नंबर, नाइन इज ऑड नंबर। जो टू के टेबल में नहीं आता है उसको ऑड नंबर बोलते हैं। सिमिलरली सेवन भी ऑड नंबर है और टेन क्या है? इवन नंबर। तो देखिए, अगर यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए आप कॉपी में, हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, एन अगर इवन होता तो मिडिल टर्म इसी फार्मूला से निकलते हैं, और एन अगर ऑड होता है मिडिल टर्म एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म एंड एन प्लस थ्री बाई टू एथ टर्म इसी फार्मूला से निकलते हैं। ठीक है, हमने कल बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में हमने बताया था, एन अगर इवन होता है जब हम बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे उसको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा, उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। एन अगर ऑड हो तो जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो इवन नंबर ऑफ टर्म मिलेगा, और इवन नंबर ऑफ टर्म में दो ही मिडिल टर्म मिलता है, वो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। आप देखिए यहाँ पे आई बटन देखिए ऊपर में, वहाँ पे आप अगर वीडियो देखना चाहते हो उसमें मिडिल टर्म का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, आप उसको देखिए, तो ये वीडियो समझने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला साम्स क्या लिखा है, कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट? तो आंसर नंबर ए, ए नंबर का आंसर कैसे करेंगे? देखिए, हेयर आप ऐसे लिखिएगा, हेयर एन क्या है? एन इज पावर, पावर इज टेन, तो टेन विच इज इवन नंबर, इवन, देयरफॉर इवन होने से कितना मिडिल टर्म मिलता है? एक ही मिडिल टर्म, देयरफॉर देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, ओके, मिडिल टर्म, एंड मिडिल टर्म विल बी क्या होगा? देखिए मिडिल टर्म इवन होगा, पावर इवन होगा, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 plus 1 टर्म, यही तो फॉर्मूला है। ओके, देखिए n का वैल्यू कितना है? 10, तो 10 n की जगह पे 10 लिखिए, 10 by 2 plus 1 टर्म। ओके, 10 by 2 इज 5 होता है, तो 5 plus 1 टर्म, तो 5 plus 1 कितना होता है? 6, 6th टर्म, तो दैट इज T6, 6th टर्म मीन्स T6, तो 6th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। ओके, देखिए ना, आप अगर अच्छा जनरल टर्म फार्मूला आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो उसी फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जनरल टर्म फार्मूला क्या होता था? टी आर प्लस वन होता है एन सी आर, ए टू दी पर एन माइनस आर इंटू एक्स टू दी पर आर। ओके, ये जनरल टर्म फार्मूला। तो हम टी सिक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो देखिए ये आर प्लस वन है, तो सिक्स को आप 5 plus 1 लिख सकते हो। ओके, सिक्स को आप 5 plus 1 लिख सकते हो। आप देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? पावर में 10 है, तो हमने बाइनोमियल क्या था? सम्स में बाइनोमियल था, ये सम्स कर रहे हैं हम, माइनस टू एक्स अपन होल टू दी पर 10, आप ये गिवन सम है। ओके, तो गिवन सम्स को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू अपन एक्स होल टू दी पर 10, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ओके, आप लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 10 क्या है? 10 n इज 10, तो 10 सी आर, आर इज 5,
अब पहले जो नंबर है ये ए, दिस इज ए एंड दिस इज एक्स, ए प्लस एक्स होल टू द पावर एन, इसका जनरल टर्म ये होता है, तो एन सी आर मतलब टेन सी आर, ए मीन्स एक्स स्क्वायर होल टू द पावर टेन माइनस फाइव इंटू क्या होता है एक्स टू द पावर, एक्स क्या यहाँ पे माइनस टू अपन एक्स होल टू द पावर आर, आर में हम बोले थे सी के पैर में जो रहता है वो आपका आर होता है, यही हो जाएगा मिडिल टर्म। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, टेल मी स्टूडेंट्स टेन सी फाइव का वैल्यू, टेन सी फाइव का वैल्यू कितना होता है, आप बोलिए टेन सी फाइव का वैल्यू, आप ये फॉर्मूला से निकाल लीजिए एन सी आर का क्या होता है फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, तो टेन सी फाइव होता है टेन फैक्टोरियल अपन फाइव फैक्टोरियल इंटू टेन माइनस फाइव दैट इज फाइव फैक्टोरियल, ओके। इसको आप 10 फैक्टोरियल मीन्स 10 इंटू 9 इंटू अप टू 1 मल्टीप्लीकेशन कितना होता है बोलिए, हाँ 200 21 आप डिजिट बोलिए 252 ऐसे बोलते हैं, ओके 252 एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10 माइनस 5 इज 5 इंटू माइनस 2 टू द पावर 5 अपन एक्स टू द पावर 5, ओके। तो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे करते हैं, तो इक्वल टू 252 अब देखिए पावर और होल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक्स टू दी पर 10 हो जाएगा और माइनस टू टू दी पर 5 मतलब माइनस टू को पांच बार लिखिए और मल्टीप्लाई करिए कितना होएगा माइनस थर्टी टू होगा अपन एक्स टू दी पर यही आएगा। तो ये जब कटेंगे यहाँ पे 10 टाइम एक्स है यहाँ पे 5 टाइम एक्स है जब कटेगा तो 5 टाइम्स बचेगा, ओके। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो माइनस थर्टी टू इंटू 252 इंटू 32 इंटू एक्स टू पर 5 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है 8064 एक्स टू पर 5 दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर ए, ओके। आप अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ठीक मिडिल में ए टर्म आएगा, आप मल्टीप्लीकेशन तब भी देख लीजिए, मेरा स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वही आंसर है, शायद ठीक ही किया है, ओके। तो देखिए नंबर वन तो हमने कर दिया है और देखिए नंबर ए हो चुका है, अब नंबर डी देखिए सिमिलरली सेम प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो, आप ये एनसीईआरटी बुक में देखिए आपका सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में आपका ये सम्स मिलेगा, उसका आप सिमिलरली आप सॉल्व करिए और आंसर बुक से मिला लीजिए, ओके। तो आपके लिए ये होमवर्क हम छोड़ देते हैं, तो नंबर बी सॉल्व करते हैं। देखिए इवन वाला केस हमने बता दिया, आप ऑड वाला केस देखिए यहाँ पे पावर देखिए दोनों में ही ऑड है, तो ऑड होने से कैसे सॉल्व करते हैं, हम बी नंबर सॉल्व करते हैं, बी नंबर गिवन क्या है, गिवन पी बाई एक्स प्लस एक्स बाई पी होल टू द पावर 9, ओके। स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फ्रॉम बुक, या यू कैन सॉल्व, सो ओके नो नीड व्हेन आई विल आस्क यू यू विल टेल, ओके। तो हेयर हेयर एन इक्वल टू 9, ओके। तो व्हिच इज ऑड नंबर, तो ऑड होने से कितना मिडिल टर्म मिलेगा, दो मिडिल टर्म ये फार्मूला और ये फार्मूला से हम निकाल लेंगे, तो देयर आर टू मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो दो मिडिल टर्म मिलेगा, ओके। एंड मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन प्लस वन अपॉन टू टू एथ टर्म एंड एन प्लस थ्री अपॉन टू एथ टर्म, ओके। तो एन का वैल्यू कितना है 9, तो दैट इज एन का वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 प्लस वन दैट इज 10 बाई टू, तो 9 प्लस 1 अपन 2 एथ टर्म एंड 9 यहाँ पे रखेंगे तो 9 प्लस 3 बाई 2 एथ टर्म यही होगा, तो इसको ऐड करिए दैट इज 10 बाई 2 दैट इज 5th टर्म एंड 9 प्लस 3 इज 12, 12 बाई 2 इज 6th टर्म, ये है ना स्टूडेंट्स बहुत सिंपल। तो आप वो जनरल टर्म फार्मूला यूज़ कर सकते हो, टी आर प्लस वन का फार्मूला यूज़ करेंगे आप, देखिए तो फिफ्थ टर्म मीन्स टी फाइव एंड टी सिक्स, ओके दैट इज टी फाइव एंड
56। तो T5 का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना है? इसका आंसर आप निकालेंगे तो 61236 x टू द पार्ट 5। दिस इज द, आप सॉल्व करके देखिए ये आंसर आपको आएगा। ओके तो सी नंबर कैन यू सॉल्व सी नंबर, टेल मी द व्हाट इज द आंसर आई विल राइट। ओके तो नाउ आई एम नाउ देखिए आप T5 निकालना चाहते हैं तो T5 का फॉर्मूला क्या है? T5 को आप ऐसे लिख सकते हो T4+1। ओके तो T4+1 तो 4+1 तो यहाँ पावर क्या है? n इज 9 तो 9c4 फर्स्ट क्या है? p/x होल टू द पावर 9-4 इंटू सेकेंड क्या है? x/p होल टू द पावर 4। हम बोले c के पैर में जो रहता है वो x के पावर में होता है, जो सेकेंड टर्म रहता है उसके पावर में होता है। तो 9c4 आप कैलकुलेट करके बताइए 9c4 का वैल्यू। तो ये आप एक्स टू दावर एक्स वाई पी होल टू दावर 4 तो 9c4 कैन यू टेल 126 इज द 9c4 वैल्यू। यू कैन पुट इन कैलकुलेटर ऑल्सो। तो इन टू पी टू दावर 5 इन बाई एक्स टू दावर 5 इन टू एक्स टू दावर 4 अपन पी टू दावर 4। ये फॉर्मूला होता है ना a बाई बी होल टू दावर m क्या होता है? a टू दावर m अपन a टू दावर b टू दावर m। ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे। ओके तो इसको आप कैलकुलेट करिए तो ये कटेगा तो यहाँ 5 टाइम्स और ये पावर और पी बचेगा यहाँ पे कटेगा तो x बचेगा तो 126 पी अपन एक्स। तो दिस इज योर फिफ्थ टर्म होगा मिडिल टर्म। मिडिल में दो टर्म आता है हम बताया था। ओके तो ये आंसर हो जाएगा T5 का वैल्यू हो गया। आप सिमिलरली T6 भी निकाल लीजिए और आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर बोर्ड से मैच कर लीजिए। हम निकालते हैं देखिए T6 इज T5+1 आप लिख सकते हो 5+1 तो आप यहाँ से 9c5 हो जाएगा p/x अपन होल टू द पावर 9-5 दैट इज 9-5 इंटू x/p अपन 5। तो दिस इफ यू कैलकुलेट 9c5 व्हाट यू विल गेट 126 सेम पी टू द पावर 4 यहाँ पर 9-5 इज 4 पी टू द पावर 4 अपन x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 5 अपन पी टू द पावर 5। आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा P, तो इसका आंसर हो जाएगा 126 अपन एक्स अपन इंटू पी। आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे फिफ्थ नंबर पोजीशन में जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 126 पी अपन एक्स और सिक्स नंबर पोजीशन में जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 126 एक्स अपन पी। लास्ट वाला पी अपन एक्स इसमें आएगा एक्स अपन पी। तो कैन यू टेल मी हैव यू सॉल्व स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी? सो व्हाट आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 आई एम राइटिंग टेल मी। हाँ तो व्हिच टर्म? फर्स्ट टर्म व्हिच टर्म? फोर्थ टर्म इक्वल टू व्हाट? माइनस 105 अपॉन 8 एक्स टू द पावर 9। दिस इज द फोर्थ टर्म। एंड फिफ्थ टर्म 35/48 एक्स टू द पावर 12। दिस इज द आंसर राइट? ओके यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। सो फोर्थ टर्म इज माई स्टूडेंट्स डन दिस सम्स। ओके सो यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। ओके आप कमेंट करके बताइएगा मेरा स्टूडेंट सही किया कि गलत किया है। थैंक यू वेरी मच।